मेरा नाम वारिस अली सैयद है। मैंने ये हफ्ता वसूली वाले को सभी को एक्सपोज करा था अब तक, ठीक है। इसके लिए मुझे रिवॉर्ड देखो क्या क्या मिलता है, ठीक है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को मालूम है जो सच है वो कैसा बाहर लाना है। अब ये मैंने समझ लो आज अक्टूबर के महीने में नीरव काकड़िया का वीडियो एक्सपोज किया, ठीक है। हमारे एलटी मैग ने उसके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की, ये वो जवाब देते हुए अपने हिसाब से। इसके बाद मैंने किसका अपना फिर मैंने नीरव काकड़िया का वीडियो एक्सपोज किया, फिर भी हमारे एलटी मार्ग के पुलिस चौकी वाले इतने माशाल्लाह बिजी थे। अंगाड़ी वाला एक मैटर चल रहा था, शायद उसी में बिजी होंगे, कुछ तो होंगे जो भी एक्स वाई जेड। अब उस पर भी कार्रवाई नहीं होती, अब गलत कौन है मुझे ये बताओ। उसके बाद अक्टूबर हो गया, नवंबर में मैंने फैसल का एक्सपोज किया, फैसल जिसमें पैसे लेते हुए साफ साफ नज़र आ रहा है। अब ये फैसल के खिलाफ मैं कंप्लेंट करता हूँ, सामने विक्टिम को बुलाकर विक्टिम को किस तरीके से टेम्पर किया है मैंने उसकी भी कंप्लेंट दी। आरटीआई के लिए मैंने फाइल करा इधर अपना सीसीटीवी फुटेज के लिए, जो मुझे आज तक नहीं मिला। अब मैंने स्टेटमेंट देने के बाद मुझे आरटीआई का जवाब भी यही मिलता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए मैं अप्लाई करता हूँ जिसमें मैं गैर अर्जदार मतलब थर्ड पार्टी। चलो खैर, कैमरे को भी इन्होंने अहमियत नहीं दी माशाल्लाह। ये नवंबर के महीने की बात है, ये सब हुआ। अब इसके बाद फैसल को सामने वाले की आइडेंटिटी कैसा पता चली, ये भी एक राज बाकी है अभी तक खुला, कि मतलब उसको फैसल को बताया किसने कि ये आदमी ने तेरा वीडियो निकाला, बराबर पुलिस चौकी से ये बात लीक हुई है या किससे हुई मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं गोलमाल है। और मेरे को सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया। सेकेंड चीज़, उस रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो रिकॉर्डिंग होंगी बंदे की भी, तीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास टोटल। मैंने तीनों एलटी मार्क पुलिस हो गया सभी को अपने अपने मेल बॉक्स में आप सब चेक कर ले, वारिस अली सैयद नाम से नहीं मिले तो आप बोल सकते हो। अब ऐसा होता है कि अपना नवंबर हो गया, दिसंबर में बराबर मेरे को मैं इतना फॉलोअप करता हूँ एक तो मेरे को मेरी जान पे भी खतरा था और मैं फिर भी फॉलोअप कर रहा था कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह पुलिस बहुत ईमानदार है, बेफिक्र है, ईमानदारी में उनका नंबर कोई नहीं बोल सकता, ऐसा बोलना नहीं कोई भी, ठीक है। मैं यहाँ से गया अपना, मुझे पता चला एलटी मार्ग पुलिस चौकी के आसपास कहीं मीटिंग कर रही है रवि लोग, तारीख थी 25/12/2021, ठीक है। वहाँ मैं वीडियो में कैप्चर करता हूँ रवि गजानन यादव को, बराबर वो वीडियो में बराबर बराबर सब दिखता है, मुझे असोल्ट करने की करता है और मैं एलटी मार्ग पुलिस चौकी लेके चले जाता हूँ, हम लोग साथ में जाते हैं। फिर एलटी मार्ग पुलिस चौकी में पहली बात मैं एलटी मार्ग पुलिस चौकी लेके गया तो आसिफ उस्मान कपाड़िया को किसने बताया कि मैं आया हूँ। ये अभी ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि रवि बाहर गया था, बाहर से लेके जाके बता दिया। सीडीआर रिपोर्ट चेक करना चाहिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसके लिए, ठीक है। मेरे को उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, खाली इतना बता रहा हूँ हमारे यहाँ ईमानदारी कितनी है। इसके बाद रवि के लिए मेरे को आसिफ ने कन्वेंस किया, सब किया, ये बात हुई मेरी कि भाई मतलब अपना जो डबल पैसे ले रहा है ये लेना बंद हो जाएगा और 50% में अभी इतना ज़्यादा नहीं लेंगे। मैंने अंदर का मेरे पास वीडियो है चौकी के अंदर का, दूसरे तो है बहुत से वीडियोस मेरे पास। अब मेरे को नीरव ने एक बार बुलाया था 4 लाख रुपए के हिसाब में कि मतलब सेटलमेंट कर लिया। अब मैंने वहाँ उन लोग की शूटिंग कर लिया, इन लोग का मैंने समझ लो स्पाई कैमरा से सब रिकॉर्डिंग किया था, क्योंकि देखो ये हफ्ता वसूली का नेक्सस आज से नहीं है। 2016 में एक मिश्रा अंकल करके थे, राम बाबू मिश्रा जिनका नाम है, उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने भी एक्सपोज करने के बेचारे ने बहुत मेहनत किए थे, रवि पे एफआईआर कराने वाले आदमी ही वही थे, उनकी भी पूरा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो 2016 में और 18 में जो उस पर केस बना, बराबर जिसमें वाइफ के नाम पे सब प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, बराबर जिसकी में 11 शीट की चार्जशीट है उसकी। अब ये सब होता है, इसके बाद है ना भाई, अब उस दिन मैंने एंट्री कराया, अब उस दिन वो चौकी में क्या लिखा हुआ है बाकायदा कि सेटलमेंट केस बात पे हुआ है, आपसी बात पे, क्या बात। और उसमें आसिफ उस्मान कपाड़िया एक विक्टिम है, मेरे को ही नहीं मालूम था कि वही चोर है साला। खैर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब इसके से तो बहुत है, इसे झूठे लोग से मैं डरने लगा तो हो गया। फिर आज तक मैंने एनसीबी में समझ लो कितना मैंने क्या किया, मेरे को तो समझ लो गिनती भी नहीं मालूम है, लेकिन द येलो प्रेस जो मैं चलाता हूँ ना किसी का बाप का पैसा लेके चलाता हूँ, मैं ओन खुद के स्टेमिना पे और खुद के स्टैंड बाई पे हूँ।
मैंने ना किसी का 1 रुपया किसी के बाप की ज़रूरत है मेरे को, ना किसी के बाप का खाया है कि किससे मैं झुकूँ। कोई बोलेगा ये न्यूज़ मत डाल तो ये मत डालूँ, किसी का बाप मेरे को नहीं देता भाई, मैं मेरा खाता हूँ और मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह इतना कि मेरे को ये सब पैसे वैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग और है जो समझ लो नियाज नजराना मंगाते हैं, खुद अपने अकाउंट में मंगा लिए, झोली भर लिए। खैर वो सब पाखंडियों का भी नामो निशान इंशाल्लाह मिटेंगे अल्लाह ने चाह तो। सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट को मैंने दिया है इनकी पूरी बायोडाटा। अब इन लोग को ऐसा लगा कि इतने दिन से ये चुप बैठा होगा, इसको कंप्लेंट करके डरा देंगे। अरे सर जी मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, मेरे पे 7-4 को एक कंप्लेंट होती है गाली गलौज की। अरे मैं क्या पागल हूँ एक्सेप्ट करूँगा कि मैं गाली गलौज किया जब मैं वो जगह पे मौजूद ही नहीं हूँ? तो कोई ये क्या पागल वागल समझे ले हम लोग को? ये कानून बोलते ना, कानून कायदे में खाली फंसा दो किसी को भी और कोई सामने वाला डर जाएगा तो एक्सक्यूज मी, जो भी है जो भी इसमें गलत है उस पर तो लोक आयुक्त इंक्वायरी करेंगे ही, नो डाउट, ये प्रॉमिस है मेरा। और असली गुनहगार को इंशाल्लाह बाहर निकालूंगा बेशक, ये प्रॉमिस है मेरा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं डरता हूँ किसी से ना कुछ। आज तलक इतनी वेनसाला डी कंपनी दाऊद भाई की माँ तलक चोद दी, हमने कभी डरा नहीं। हम किसी के बाप का खाता थोड़ी है कि डरे हुए किससे। और ईमानदार ऑफिसर होवे कोई तो ठीक है, उस पर उंगली उठा वो मालूम तो पड़ेगा। जो करप्ट है ना करप्ट, उससे तो मैं जरा भी नहीं डरता। जो हराम का खाता होवे ऑफिसर अगर कोई भी हो, वो फिर कोई भी डिपार्टमेंट का हो, सिविक अथॉरिटीज हो या स्टेट गवर्नमेंट का, जो करप्ट है वो हराम खा हुए मेरे लिए नज़र में एंटी नेशन है वो। एंटी नेशन का मतलब समझते हो? देशद्रोह। ये बताते हैं जाओ मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ ले हुए कोई भी जाके, कि जो पब्लिक सर्वेंट करप्ट है उसको एंटी नेशन बोला जाए। चेक कर लो मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर। खैर फिर उसके बाद अपना वही वीडियो पे माशाल्लाह नीरव पर तो कार्रवाई होती है, रवि पे होती है, आसिफ उस्मान कपाड़िया पे नहीं होती है। सोहेल भी बाकी है अभी, सोहेल जो आया था वहाँ। मैं क्या बोलता हूँ मुंबई पुलिस कमिश्नर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, 25/12, 25/12 का शाम का 2 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक का फुटेज निकालो, सब एको एक एल्टी मार के बाहर देखना कितने जमा होते, कितने किससे हाथ मिलाते। नीरव काकड़िया कैसा आया वहाँ? नहीं वो भी ऑटोमेटिक आता है ना, नीरव काकड़िया वहीं के वीडियो में मेरे को बोल रहे हम लोग कितना भी ले, तेरे बाप का क्या आता है। मैं वीडियो के साथ एविडेंस दिया हूँ साहब, मैंने आपको मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को मैंने पेन ड्राइव दिया, उसमें अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं कोई भी, प्लीज़ चेक करो आप, उसमें है वीडियो अवेलेबल। अब फैसल अंदर माइक पे बोलते हैं बिग चौकी में बैठ के, हिसाब मैं कभी समझ लो नवंबर के अंदर एक्सपोज करता हूँ वो आदमी को, कैसा टेम्पर करा, उसकी आइडेंटिटी लीक हुई। अब ये कौन मिला हुआ इसमें? मैं देखो ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास सबूत है कोई पुलिस अथॉरिटी का, लेकिन क्या ये पुलिस अथॉरिटी के बगैर मिले हुए ये काम हो सकता है? पॉसिबल। अब सेकंड चीज़, अब जब मैं 17 कंप्लेंट 16 कंप्लेंट करता हूँ वो भी एविडेंस के साथ, वो सब तो कचरे के डब्बे में बराबर, लेकिन आसिफ एक बगैर एविडेंस के साथ झूठी कंप्लेंट देता है गाली बकने की, वो आती है बोर्ड पे। ऐसा तो कोई बेचारा मारा मारी करके या कोई गरीब को मार के चले जाए तो हमारे पुलिस वाले माशाल्लाह इतने अच्छे कि उनको बोलेंगे जाओ भाई मेडिकल कराओ, ये कराओ वो कराओ। खैर वो सब अलग बात हो गई, वो तो लोक आयुक्त भी है, हमारे को हमारे हिंदुस्तान के कानून पे पूरा भरोसा है, वो अपना काम अपना खुद से ठीक से करेगा बराबर। अब मैंने 12 जन अरेस्ट करे, मैंने नहीं किया सॉरी, मीन्स मेरे थ्रू जो भी एक्स वाई जेड मैंने जो एक्सपोज किया उससे 12 जन को अरेस्ट किया गया बराबर। अभी रवि बाबा का भी नंबर है, लेकिन आसिफ उस्मान का पड़िएगा भी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंक्वायरी करो, मैं सबूत देता हूँ ना। वो जो पैसे की बात कर रहा है ना, इसकी औकात नहीं है पैसे देने की साहब। ऐसा होता ना पैसे का तो नीरव काकड़िया मेरे को 4 लाख रुपए दे रहा है, मैं वीडियो एविडेंस में दूंगा। खैर आगे की बात है, ये बोलता है ना।